वेलकम टू द टॉप मास्टर। तो कैसे हैं आप सब? यहाँ पर मैं कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवाऊंगा। ये जो क्रश कोर्स है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, टॉपिक वाइज चलेगा। जितने भी चैप्टर हैं उनके जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से नीट एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, वो कंप्लीट टॉपिक को मैं अच्छे तरीके से कवर करवाऊंगा। आपकी अभी तक इनऑर्गेनिक कैसी भी हो, लेकिन ये वीडियोस देखने के बाद और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद एक स्ट्रीम लेवल में आपकी इनऑर्गेनिक होगी, बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे और इसके क्वेश्चन जल्दी आप गलत नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल होती है, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको क्लियर करवाऊंगा। पहला लेक्चर हमने देखा जिसमें हमने एटॉमिक साइज को अच्छी तरीके से क्लियर किया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है और वीडियो को देख लिया है तो। ठीक है, आज के हम लेक्चर में देखने वाले हैं आयनिक रेडिएशन और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अच्छी तरीके से हम क्लियर करेंगे और इसका कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं आयनिक रेडियस। अब देखिए, पीरियोडिक टेबल जितने भी लेक्चर मैंने अभी तक पढ़ाए, मैं हर एक चीज पहले ही जो बेसिक चीज बताता हूँ वो यही है कि जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पीरियोडिक टेबल में ये चीजें आपको रटी रहनी चाहिए। जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो साइज होती है वो डिक्रीज होती है, लेकिन जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जो साइज होती है वो इंक्रीज होती है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर न्यूक्लियर चार्ज होता है आपको पता है, और यहां पर ऑर्बिटल होते हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, घूमता रहता है। ठीक है, अब आपको पता है जितना दूर ऑर्बिटल होगा अट्रैक्शन उतनी ही कम लगेगी, मतलब यहां से एक तरीके का फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, जो कि बांधे रहता है इनको इनकी क्लास पर। तो होता क्या बच्चा, अगर यहां पर एक तरीके का फोर्स लग रहा है तो जितनी ऑर्बिटल बढ़ती जाएगी, जितनी दूर तक ये ऑर्बिटल जाएगी, उतना ही जो अट्रैक्शन यहां पर लग रहा होगा उतना ही अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। जितना पास उतना अट्रैक्शन ज्यादा, तो मतलब हम कह सकते हैं साइज जितनी कम होगी उतना ही अट्रैक्शन क्या होगा, उतना ही अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और अगर अट्रैक्शन ज्यादा है मतलब जेड इफेक्ट भी ज्यादा होगा, मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा होगा क्योंकि साइज कम है अट्रैक्शन ज्यादा है। ये चीज समझ में आ गई? जस्ट इसका अपोजिट यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। यहां पर क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन टॉप टू बॉटम वाले में जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा क्योंकि साइज यहां पर बढ़ रही है, यानी जेड इफेक्टिव भी कम होगा। ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, अब हम बात करते हैं आयनिक रेडियस की। देखिए सिंपल सी बात है, आयनिक रेडियस एक प्रकार की रेडियस है। ठीक है, मतलब यहां पर हम कहेंगे कि अगर मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करता हूं तो जैसे जैसे साइज बढ़ती जाती है तो जो आयनिक रेडियस है वो भी बढ़ता जाता है। मतलब केवल और केवल आपको साइज देखनी आनी चाहिए, अगर आप साइज देख पा रहे हैं मतलब ये क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो आपका गलत नहीं होने वाला। ठीक है, तो साइज का आपने क्रम देखा, लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज हो रही है, टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। अब देखिए एक एग्जांपल मैं कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूं आपको कि आखिर मैं बात किसकी कर रहा हूं, जो आयनिक रेडियस में बार बार कर रहा हूं ये एक्चुअली में है क्या, ये कॉन्सेप्ट को आप सीखिए। मैंने पहले बताया मैं कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, क्वेश्चन करने का तरीका भी बताऊंगा और सारी चीजें मैं डिटेल में समझाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए हम बात कर रहे हैं सोडियम की। अगर मैं सोडियम की बात करता हूं तो आपको पता है इसका जेड 11 होता है, इलेक्ट्रॉन भी इस पर 11 होते हैं और प्रोटॉन भी इस पर 11 होते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इनके ऑर्बिटल वगैरह बनाता हूं जो कि मैंने बनाया, अब देखिए अगर मैं बात करता हूं इसके ऑर्बिटल की तो यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे आपको पता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालना है। तो आपको पता है इसका जो होता है एटलीस्ट ये तो आपको आता ही होगा, 2, 8 और 1, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो आउटर वाला सेल है उस पर 1 इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता है कि सारे एलिमेंट जो कि जितने भी एटम हैं वो चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाएं, उसके लिए वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। मतलब अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो इसके पास 2 और 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे जिसके कारण इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जैसे इसका 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं 10। अब अगर 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, पहले 11th इलेक्ट्रॉन थे, मतलब 11th इलेक्ट्रॉन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा था, अब केवल 10 पर लगना है, मतलब ये बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन कम हुआ, तो अगर ये बढ़ जाएगा, यहां पर देखिए यहां पर क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव चार्ज बढ़ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो रही है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये था सोडियम। ठीक है, सोडियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को, सोडियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और एक एक्स ने इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया। तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने डोनेट किया है और इसने उधार लिया है, तो इस पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो ये चार्ज का खेल आप समझ गए।
ठीक है, एक पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, Na पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, और X पर निगेटिव चार्ज आ रहा है क्योंकि इसने चार्ज को लिया है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया यहां पर उसने इलेक्ट्रॉन को दिया है, मतलब यहां पर हो क्या रहा है, जैसे उसने इलेक्ट्रॉन को दिया तो ऑर्बिटल खाली हुआ, साइज घटी, और अगर यहां पर साइज कम हो रही है तो मैंने अभी अभी आपको बताया अगर साइज कम होगी तो आयनिक रेडियस भी कम होगी। मैंने आपको बताया साइज के प्रोपोर्शनल टू होती है, जैसे साइज वैसे आयनिक रेडियस। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो इसके ऑर्बिटल और भरे होंगे, इसकी साइज और बड़ी होगी, और अगर इसकी साइज बड़ी होगी तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो आयनिक रेडियस है वो भी बड़ी होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और उसकी आयनिक रेडियस कम हो जा रही है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस पर निगेटिव चार्ज आ रहा है और उसकी आयनिक रेडियस बढ़ रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बात करता हूं तो निगेटिव वाले की आयनिक रेडियस ज्यादा होती है पॉजिटिव वाले से, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन आया हुआ है और इससे इलेक्ट्रॉन गया हुआ है। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, अच्छी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, और ये पॉइंट देखिए, सेकंड नंबर पॉइंट में मैंने यही चीज लिख दी, सबसे ज्यादा आयनिक रेडियस किसकी होती है, एनायन की होती है, मतलब निगेटिव वालों की होती है, फिर न्यूट्रल वाले की होती है जिसके पास ना तो आयनिक मतलब ना तो निगेटिव चार्ज है और ना ही पॉजिटिव चार्ज है, मतलब न्यूट्रल है। ठीक है, फिर इसके बाद पॉजिटिव चार्ज की होती है। ठीक है, ये तो आपके क्या हो गए, कुछ पॉइंट हो गए जिनसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑर्डर हमेशा पूछा जाएगा, इससे बहुत बार ऑर्डर पूछा गया है। अब देखिए कैसे निकालते हैं, तो क्वेश्चन करने का तरीका मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन करने के स्टेप हैं, आपको कुछ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसका स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट है पहले आपको चार्ज को देखना है, चार्ज को क्या करना है, देखना है। ठीक है, ये आपका स्टेप नंबर फर्स्ट है। स्टेप नंबर सेकेंड क्या है बच्चा, आपको क्या देखना है, साइज देखना है, साइज देखना है। ठीक है, अब आपको केवल दो ही स्टेप अजमाने हैं, पहला तो पहले क्या करना है, चार्ज को देख लेना है, फिर आपको साइज को देखना है। तो पहले क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हम पहले चार्ज को देखेंगे, तो चार्ज दो में तो क्या है, निगेटिव है, इसको हम ए कह देते हैं, और तीन में क्या है, तीन में चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, इसको हम बी कह देते हैं। तो पहला पॉइंट, ए वाला ज्यादा होगा बी से, भैया क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि ये निगेटिव है और ये क्या है, ये पॉजिटिव है। भैया अभी अभी आपने बताया कि निगेटिव पर जो आयनिक रेडियस होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लेता है, उसका जो साइज है वो रेडियस जो है वो उसकी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं यहां पर आप नंबर दे दीजिए, एक दो तीन चार पांच। अब आप इस तरह कह सकते हैं कि एक और दो जो है वो बड़े हैं किससे, तीन चार और पांच से। ये तो आपका पहला स्टेप रहा चार्ज वाले से। अब आपको साइज देखनी है, तो अब ये बताइए फ्लोरीन बड़ा है कि ऑक्सीजन, तो आपको पता है अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो ऑक्सीजन बड़ा है, तो यहां पर दो नंबर पहले आ जाएगा, फिर यहां पर एक नंबर हो जाएगा, फिर यहां पर तीन नंबर हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो Na से Al लेफ्ट टू राइट है, एकदम सही करेक्ट ऑर्डर है, तो यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होती है, साइज घटती है और आयनिक रेडिएशन भी घटेगी, मतलब यहां पर तीन चार और सबसे कम किसकी हो जाएगी, पांच वाले की, मतलब मिनिमम किसकी होगी, Al थ्री प्लस की मिनिमम हो जाएगी। ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए दूसरे नंबर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये दूसरा नंबर, अब दूसरा नंबर कैसे करेंगे, यहां पर N से Al तक की बात हो रही है, मतलब लेफ्ट टू राइट बात हो रही है और एकदम सही ऑर्डर है, ऑर्डर इधर उधर नहीं किया गया है इसमें, पीरियोडिक टेबल पर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपको एटलीस्ट इतना पता भी होगा। ठीक है, देखिए NO F Na और Al ये एकदम सही ऑर्डर है, लेफ्ट टू राइट का है। अब मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको निगेटिव चार्ज देखना है, कुछ नहीं, सबसे पहले आप निगेटिव वाला सॉल्व करेंगे, तो लेफ्ट टू राइट है, साइज घटती है, सबसे ज्यादा N की, फिर O की, फिर F की हो जाएगी। ठीक है, फिर निगेटिव वाला हमेशा ज्यादा होगा पॉजिटिव वाले से, और Na जो होता है वो Al से ज्यादा होता है, सीधा सा क्रम है, लेफ्ट टू राइट का क्रम है, आपको डायरेक्ट इसी तरह का आंसर कर देना है। ये जो N है, Na है ना, ये आता है S ब्लॉक में, ठीक है, S ब्लॉक में आता है, और जबकि ये P ब्लॉक में आता है। अगर आप ऐसे जनरली सॉल्व करेंगे तो गलत हो सकता है, मैंने इसीलिए बताया कि पहले आपको निगेटिव वाले सॉल्व कर लेना है, फिर इसके बाद आपको पॉजिटिव वाले सॉल्व कर लेना है। इसमें निगेटिव और पॉजिटिव मत देखने लगिएगा साइज,
ठीक है। इस तरह अगर आप देखेंगे तो Na की साइज ज्यादा है F से, ठीक है। तो Na की साइज ज्यादा है तो Na की आयनिक रेडिएशन भी ज्यादा रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव हमें देखना है पहले। तो निगेटिव और पॉजिटिव के कारण F जो है, फ्लोरीन जो है, वो ज्यादा हो जाएगा। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए, बहुत बार पूछा गया है नीट एग्जाम में। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले आयनिक, पहले वो एनायन वाला होगा, फिर इसके बाद न्यूट्रल, फिर इसके बाद केटायन वाला हो जाएगा, ठीक है। मतलब निगेटिव, न्यूट्रल, पॉजिटिव, ठीक है। ये चीजें बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब देखिए चौथे नंबर की बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 4 रहने देते हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको कंपेयर करवाऊंगा फर्स्ट वाले से, ठीक है। क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में करवाऊंगा, ठीक। पांचवे नंबर की बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम की बात हो रहा है। साइज इंक्रीज होगी, मतलब आयनिक रेडिएशन भी इंक्रीज होगी। सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? आई माइनस की हो जाएगी मैक्सिमम, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हाइड्राइड रेडियस जो रहती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्वस फॉर्म दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो एक्वस जो कि आपको सामने दिख रहा है और एक गैसी है। ये दो तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और आपस में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखिए जहां पर आपको एक्वस वाला देखने के लिए मिले, पहले हम गैसी वाले की बात करते हैं। तो ये क्या दिया हुआ है? ये टॉप टू बॉटम की बात कर रहा है। टॉप टू बॉटम में साइज जो होती है वो इंक्रीज हो रही है, और अगर साइज इंक्रीज होती है तो मैंने अभी अभी आपको बताया आयनिक रेडिएशन भी इंक्रीज होगी, क्योंकि ये साइज के सिमिलर होती है। मतलब यहां पर क्या होगा? सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? सी एस गैसीय फॉर्म वाले की सबसे ज्यादा हो जाएगी। मतलब अगर मैं गैस वाले की बात करता हूं तो इसमें मैक्सिमम किसकी होगी? इसमें मैक्सिमम सी एस वाले की हो जाएगी, सी एस प्लस वाले की हो जाएगी, और मिनिमम किसकी हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी एल आई प्लस वाले की। ये तो रहा गैसीय वाले की बात, लेकिन अगर हाइड्राइड मतलब एक्वस वाले की बात होती है तो ये जो रूल लग रहा था ना, ये जो अभी तक आप रूल लगा रहे थे, इसको आपको जस्ट अपोजिट लगाना है। मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ेगी तो जो आयनिक रेडिएशन है वो क्या होगी? घटेगी। यहां पर आयनिक की जगह आप हाइड्राइड कर सकते हैं, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। जब भी हाइड्राइड मतलब एक्वस की बात हो तो जस्ट अपोजिट हो जाता है साइज के, लेकिन अभी तक एकदम सिमिलर था साइज के। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर कुछ ऐसा फॉर्म आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब अगर यहां पर मैं मैक्सिमम की बात करता हूं, किसकी बात कर रहा हूं? एक्वस वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये एक्वस वाले की बात कर रहा हूं भाई। तो अगर मैं मैक्सिमम की बात करता हूं तो एल आई प्लस की मैक्सिमम होगी, लेकिन यहां पर मिनिमम थी। और अगर मैं मिनिमम की बात करता हूं तो सी एस प्लस वाले की मिनिमम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहां पर उल्टा हो जाता है। ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, डिटेल में समझ में आया होगा। ऐसे ही करके हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे। अब आपको क्या करना है, एक लास्ट काम जो आपको खुद करना है वो आपका क्या रहेगा? वर्क है। ये मैं वर्क कर रहा हूं, अगर इतना आप कर लिए तो बहुत ही अच्छी इनऑर्गेनिक होगी। आप पर वीडियो से अपना जो इम्प्रूव जो हो रही है वो चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। वर्क क्या है? 30 प्लस क्वेश्चन आपको करने हैं, ये आयनिक रेडिएशन से रिलेटेड 30 प्लस क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। ऐसे ही करके मैं आपको पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करवाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। एग्जाम से पहले कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी हो जाएगी बहुत ही अच्छी तरीके से। ऐसे ही हम करके डिटेल में कवर करेंगे टॉपिक वाइज, ताकि आपको एक टॉपिक, जो भी टॉपिक आपको नहीं आता आप उसको देखिए, अगर एकदम नहीं आती तो कंप्लीट टॉपिक जैसे जैसे आते जा रहे हैं आप देखते जाइए, और इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए। सिंगल प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चा, सब लोग कमेंट करेंगे कि कैसे समझ में आ रहा है। एक बार यार कमेंट आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो वगैरह बनाने में, लेकिन एक बार अगर आप कमेंट करते हैं ना तो एक तरीके की एनर्जी आती है हमें, ठीक है। तो आप एक बार कमेंट जरूर करिए। बाकी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर मिलता हूं अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय।